नागपुर का रायसोनी कॉलेज आता है जिसका प्लेसमेंट का परसेंटेज है 62%। देन आता है YCC। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम ओम राउत एंड वेलकम टू फिजिक्स फॉर यू। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा तो मैंने यहाँ पे टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र फॉर इंजीनियरिंग निकाले हुए हैं, और ये कॉलेजेस मैंने कैसे निकाले हुए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले 4 या 5 दिन से कंटिन्यूस में रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, इट इज ऑफ प्लेसमेंट्स, मतलब कौन से कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं उस हिसाब से मैंने कॉलेजेस को रैंकिंग दिया हुआ है। अब आप सोचो, आप पूछोगे तो सर प्लेसमेंट ही क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में जाते हो इंजीनियरिंग के, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है प्लेसमेंट्स। और आजकल जो प्लेसमेंट्स का रेशियो है इंडिया में, वो बहुत कम हो चुका है। सो प्लेसमेंट्स काफी मैटर करते हैं फाइनल ईयर के बाद। सो इस हिसाब से मैंने कॉलेजेस डिवाइड किए हुए हैं। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कॉलेजेस है इसमें से कुछ कुछ कॉलेजेस आपको नए भी पता हो, तो नए कॉलेजेस भी आपको पता हो जाएंगे इसके थ्रू। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जिसको भी जरूरत है, मतलब आपका रिलेटिव हुआ, आपका भाई हुआ, आपका दोस्त हुआ, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिनको भी इसके आइडिया नहीं है। और हाँ, आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे किसी कॉलेज का अगर आपको रिव्यू चाहिए, मतलब सर ये कॉलेज कैसा है इसके बारे में थोड़ा हमको जानना है, उसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हो। उसके बारे में मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा श्योरिटी नहीं दूंगा कि मैं उसी के बारे में डालूंगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस के बारे में रिव्यू डालने वाला हूं जो टॉप कॉलेजेस है। लेकिन आपको लगे कि भाई हाँ ये कॉलेज के बारे में मुझे जानना है, तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने 21 कॉलेजेस निकाले हुए हैं। तो 21 नंबर पे आता है SLGMCE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव। ये जो है विदर्भ में आता है शेगांव, वहां पे जो प्लेसमेंट्स है पिछले साल के वो 54% प्लेसमेंट्स, मतलब काफी अच्छे माने जाते हैं। मतलब अगर 2 स्टूडेंट है तो उसमें से 1 स्टूडेंट तो प्लेस होगा ही होगा। ओके, हाँ, 20th नंबर पे आता है PRMAT एंड R बडनेरा। बडनेरा अमरावती के पास आता है महाराष्ट्र में। इसका जो प्लेसमेंट का परसेंटेज है इट इज अराउंड 57%। और हाँ, यहाँ पे जो मेजर रिक्रूटर है, मास रिक्रूटर जिसको कहते हैं, वो है TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 19 नंबर पे आता है सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पुणे के पास है। फिर उसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 58%। देन आता है KK वाक नाशिक। नाशिक का जो KK वाक का कॉलेज है वो आता है, उसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 61%, काफी अच्छा है। उसके बाद आता है रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। नागपुर का रायसोनी कॉलेज आता है जिसका प्लेसमेंट का परसेंटेज है 62%। देन आता है YCC इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, फिर से यशवंतराव चौहान समथिंग है, तो उसका जो प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 64%। ओके, उसके बाद आता है भारतीय विद्यापीठ डीमिड यूनिवर्सिटी पुणे। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। इसको मतलब जो पुणे के स्टूडेंट्स है, जो पुणे के रीजन में आते हैं, वो ये कॉलेज ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं बाकी सब कॉलेजेस के साथ। तो इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 68%। उसके बाद आता है रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। इसका जो प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 74%, काफी अच्छा प्लेसमेंट है। देन आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी। ये पुणे के पास है कॉलेज अवसारी, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसको मैंने इसलिए प्रेफर किया है। इसका परसेंटेज मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये नया कॉलेज है, लेकिन इसमें जो ऑटोमोबाइल ब्रांच है वो काफी डिमांड में है। सो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो देन आता है MKSS कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे। इसका जो परसेंटेज रेशियो इट इज 70%। ये शायद वुमेन के लिए कॉलेज है, और कमिंस जो कंपनी है वो शायद इसको स्पॉन्सर करती है, तो इसका भी परसेंटेज, जो प्लेसमेंट का परसेंटेज है, वो भी काफी अच्छा है। उसके बाद है डॉक्टर बाबा साहेब, जो 11th नंबर पे कॉलेज है, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोनेरे। इसका जो परसेंटेज है वो इट इज अराउंड 75%, यानी 75% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए थे, काफी अच्छा प्लेसमेंट है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। इसका जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 76%।
ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज आती है और एवरेज पैकेज जो है वो करीबन करीबन 4 लाख के आसपास यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आता है MIT कोथरूड, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोथरूड पुणे में जो ब्रांच है, ये इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो मैकेनिकल ब्रांच है वो काफी फेमस है, उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद है श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, यस नांदेड़ का जो कॉलेज है ये भी काफी अच्छा माना जाता है। वहां की इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच जो है जिसमें खाली 30 सीट्स है उसमें भी काफी अच्छा प्लेसमेंट्स है, या इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 78%। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है और पिछले कई सालों से अच्छा प्लेसमेंट देते आया हुआ है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसका जो परसेंटेज है प्लेसमेंट इट इज अराउंड 79%, ओके 79% है। और उसके बाद आता है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, ये भी एक अच्छा कॉलेज है जिसमें तीन ही ब्रांच आती है, एक सिविल इलेक्ट्रिकल एक शायद और एक ब्रांच है, तो तीन ही ब्रांचेस है और उसका जो प्लेसमेंट का परसेंटेज इट इज अराउंड 80%। सो जो भी बच्चों को मतलब ये कॉलेज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर प्लेसमेंट पर्पज। देन VIT पुणे दैट इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, इसका जो प्लेसमेंट का परसेंटेज है इट इज अराउंड 82%, ये भी एक अच्छा कॉलेज है लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद आता है वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, इसका जो परसेंटेज है प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 88%। उसके बाद आता है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पुणे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉलेज है, इसका परसेंटेज जो है 86% है लेकिन मैंने उसको ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, सो वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है आपको ग्रो करने की वो काफी अच्छी है। और ये जो कॉलेज है ये पर्टिकुलरली कंप्यूटर ब्रांच और IT ब्रांच के लिए काफी अच्छा माना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आती है और काफी अच्छा प्लेसमेंट देके जाती है। उसके बाद आता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, ये जो कॉलेज है ये जो आर्मी के लिए बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व है, तो आर्मी खुद उनको मनी प्रोवाइड करती है, इस कॉलेज को फंड देती है, सो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इट इज अराउंड 82%। उसके बाद आता है VJTI मुंबई, ये तो आप सभी को पता है बहुत सारा बहुत अच्छा कॉलेज है, मुंबई में गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है और काफी अच्छा इसका प्लेसमेंट भी, इसका जो प्लेसमेंट इट इज अराउंड 86%। बाद में आता है ICT मुंबई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है, MSTCET थ्रू ये कॉलेज लेता है और काफी अच्छा कॉलेज है, इसका जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का इट इज अराउंड 88% और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉरेन में भी अप्लाई करते हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस कॉलेज। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये काफी पुराना कॉलेज है, काफी फेमस कॉलेज है पूरी इंडिया में, इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इट इज अराउंड 89%। अगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अगर आपको मिल रहा है और अच्छा ब्रांच भी मिल रहा है तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती है। इसके अलावा मैं ये जो हुए दिस आर द टॉप कॉलेजेस, आप मुझे इसमें मैंने ब्रांचेस मेंशन नहीं की हुई है तो कौन से ब्रांचेस आपको लेनी चाहिए, अगर आपको लगा कि सर मैं इस कॉलेज में कौन सी ब्रांच लूँ तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ इट इज फॉर द ब्रांचेस, मतलब कौन सी कॉलेज और ब्रांच में से आपको किसको प्रेफर करना चाहिए और कौन सी ब्रांच को डिमांड ज्यादा है उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।